दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 हेतु कक्षा 12वीं का बही खाता एवं लेखा कर्म विषय का प्रश्न पत्र। तो वीडियो शुरू करूं उससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अगर हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हो या आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपका अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर 2021-22 कक्षा 12वीं बही खाता एवं लेखा कर्म विषय का किस प्रकार का आने वाला है। वीडियो को अंतिम समय तक जरूर देखिएगा दोस्तों, जिससे कि आपको पूरा प्रश्न पत्र समझ में आ सके। इसी के साथ में इन्हीं प्रश्नों के उत्तर भी मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूं, तो इसलिए प्लीज़ वीडियो को आखिरी समय तक जरूर देखिए। तो चलिए बिना किसी देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं और समझते हैं कि आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर 2021-22 कक्षा 12वीं बही खाता एवं लेखा कर्म विषय का किस प्रकार का आने वाला है। पहले देखिए तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये सही विकल्प चयन करने के लिए है। साझेदारों के चालू खातों का शेष हमेशा होगा, नाम शेष जमा शेष दोनों में से कोई भी नहीं। तो आप सभी लोग इसको देखते चले, ये सारे के सारे आपके सही विकल्प दिए गए हैं। तो आप सभी लोग इन सही विकल्पों को नोट कर लें और उसी के नीचे ये उनके उत्तर दिए गए हैं, तो ये उनके उत्तर है सभी विकल्पों के। आप चाहे तो बराबर इनको नोट करके लिख सकते हो। और उसी के अलावा अगर आगे बात करें तो ये रहे आपके रिक्त स्थान पूर्ति। आप इन रिक्त स्थान पूर्ति को भी देख लीजिएगा, जिससे कि आप सबको ये बहुत ही अच्छे से याद हो जाए। तो ये रिक्त स्थान पूर्ति आप पूरे नोट कर लीजिएगा और उसी के नीचे अगर देखें तो ये रहे उनके उत्तर। तो आप सभी लोग इनके उत्तर भी तैयार कर लीजिए। तो उम्मीद करता हूँ कि सभी उत्तर आपने तैयार कर लिए होंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, और ये रहे आपके सत्य असत्य। तो आप सभी लोग इन सत्य असत्यों को नोट कर ले अच्छे से, जिससे कि आप सबको ये अच्छे से याद हो जाए। ये सत्य असत्य दिए गए हैं, आप बराबर इनको नोट करते चले। और उसी के क्रम में अगर देखें तो कुछ सत्य असत्य ये दिए गए हैं, आप फटाफट इन्हें भी नोट कर ले, जिससे कि आप सबको ये अच्छे से याद हो जाए। उम्मीद करता हूँ कि सारे असत्य आपने नोट कर लिया होगा और ये इनके राइट आंसर है, तो आप इन राइट आंसर के ऊपर भी टिक लगा सकते हो। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। अब इसी के क्रम में अगर आगे देखें तो कुछ प्रश्न ये रहे, आप इनको देख सकते हो, समझ सकते हो। ये आपके एक वाक्य या एक शब्द में उत्तर वाले प्रश्न, तो आप सभी लोग इनको देख ले और नोट कर ले अच्छे से, जिससे कि आप सबको ये अच्छे से याद हो जाए। तो ये सभी आपने नोट कर लिए होंगे। अब इसी के क्रम में अगर आगे देखें तो कुछ प्रश्न उनके उत्तर ये रहे, तो आप सभी लोग इनके उत्तर भी आप तैयार कर ले, जिससे कि आप सबको ये अच्छे से याद हो जाए। और ये उत्तर तैयार कर लेने के बाद में अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न आपका ये रहा, सही जोड़ी बनाइए। जी हाँ दोस्तों, ये सही जोड़ी के ऊपर प्रश्न है, तो आप सही जोड़ी बना के आप इसमें देख सकते हो। और ये रहे इनके आंसर्स, तो आप सभी लोग इनके आंसर्स भी तैयार कर लीजिएगा। अब इसी क्रम में अगर आगे बात करें खंड आ की लघुत्तरी प्रश्नों की, तो ये लघुत्तरी प्रश्न होंगे आपके गैर व्यापारिक संस्थाओं का अर्थ बताइए, आय व्यय खाते को समझाइए, फर्म में किसी नए साझेदार के प्रवेश कब दिया जाता है। तो आप सभी लोग इसके ऊपर चर्चा कर सकते हो, इनको याद कर सकते हो। अब इसी क्रम में अगर आगे देखें तो कुछ प्रश्न ये दिए गए हैं, आप इनको भी देख लो, नोट कर लीजिएगा। और उसी के क्रम में अगर आगे देखें तो कुछ प्रश्न इसके अलावा ये दिए गए हैं, आप सभी लोग इन प्रश्नों को नोट कर ले और याद कर ले अच्छे से, जिससे कि आप सबको ये अच्छे से याद हो जाए। और उसी के क्रम में अगर आगे देखें तो कुछ प्रश्न ये दिए गए हैं, आप इनको बराबर नोट कर ले, जिससे कि आप सबको ये अच्छे से याद हो जाए। अब आगे देखें तो इसके अलावा कुछ प्रश्न ये दिए गए हैं, आप इनको बराबर देखें और नोट कर ले, जिससे आप सबको ये आसानी से याद हो जाए। अब इसी के क्रम में अगर आगे देखें तो ये उसी का अथवा पुराला प्रश्न है, आप लोग इसको भी देखें और नोट कर ले बराबर, जिससे कि आप सबको ये अच्छे से याद हो जाए। अब उसी के नीचे अगर देखें तो कुछ प्रश्न ये दे रखे हैं, आप लोग इन प्रश्नों को भी अच्छे से नोट कर लीजिएगा, जिससे कि आप सबको ये अच्छे से याद हो जाए। अब उसी के नीचे अगर बात करें तो कुछ प्रश्न ये दे रखे हैं, आप लोग इन प्रश्नों को भी नोट कर ले, जिससे कि आप सबको ये अच्छे से याद हो जाए। तो उम्मीद करता हूँ कि सभी प्रश्न आपने नोट कर लिए होंगे। अब इसी के क्रम में अगर आगे देखें तो कुछ प्रश्न ये दे रखे हैं, आप लोग इन प्रश्नों को भी नोट कर ले, जिससे कि आप सबको ये अच्छे से याद हो जाए। और इसके अलावा कुछ प्रश्न ये हैं, तो उम्मीद करता हूँ कि सारे प्रश्न और इनके उत्तर आपने नोट कर लिए होंगे। और उसी के क्रम में अगर आगे देखें तो कुछ प्रश्न ये दे रखें, आप लोग फटाफट इनको भी नोट कर ले, जिससे कि आप सबको ये अच्छे से याद हो जाए। तो ये था पूरा का पूरा आपका अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 हेतु कक्षा 12वीं भाई खाता है लेखा कर्म विषय का प्रश्न पत्र, जो कि मैंने आप सभी को बता दिया है। इसी के साथ में मैं आप सभी को अर्धवार्षिक परीक्षा हेतु शुभकामनाएं देता हूं और साथ ही एक रिक्वेस्ट और करता हूं कि आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। इसी के साथ में मैं आप सभी से विदा लेता हूँ। नमस्कार।